वेलकम बैक टू ई लर्नम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सोनक सिन्हा बाबू। ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में। गेट लाइफ साइंसेज के केमिस्ट्री सेक्शन को, जो कि लोगों को काफ़ी टफ लगता है, उसे इंटरेस्टिंग और आसान बनाने के लिए मैं फिर से एक बार आपके साथ जुड़ूंगा। इस बार मैं लेके आ रहा हूँ एक रेगुलर क्रैश कोर्स के साथ एक ब्रिज कोर्स उन लर्नर्स के लिए जिन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल टफ लगता है या फिर आता ही नहीं है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ढेर सारे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सीखेंगे कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में। ठीक है, तो मोर ऑन दिस लेटर, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ईलर्नम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स थ्रू PYQs। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट एक्सेल केमिस्ट्री के हम सॉल्व कर रहे होंगे और उनमें जो छिपे हुए कॉन्सेप्ट्स है उन्हें हम सीख भी रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, एक बात मैं बता दूं, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है, उसके बाद ही प्ले करना है सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक और चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, पढ़ने के बाद आपको ये क्लिक करना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से ये कभी भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये चीज आपको हमेशा फॉलो करना है। आपको चैप्टर एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। द एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ अ कॉपर एटम। ठीक है, तो यहां पे किस चीज के बारे में पूछा है? क्वांटम नंबर के बारे में पूछा है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर किस चैप्टर में आता है? दिस कम्स इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें भी हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। चलिए, क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? क्वांटम नंबर्स अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है m, एंड स्पिन क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर्स होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? जिस पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन है वो ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास रहे 3p, इस तरीके से 3p ऑर्बिटल में है, तो 3p में अगर यहां पे लिख दिया तो ये जो है n को डिनोट करता है। यहां पे आप n क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा, अब n के बेसिस पे ही, n पे ही डिपेंड करता है l, और l का जो वैल्यू होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। इसका मतलब क्या? अगर मान लीजिए n 1 है तो l कितना होगा? l कैन बी 0, इट कैन नॉट बी 1। ठीक है, अगर ये n 1 है तो l 0 हो सकता है, एंड अगर l 0 है तो यहां पे कौन से ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? s ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा, वैसे ही अगर n 2 है तो l कैन बी 0 एंड l कैन ऑल्सो बी 1। ठीक है, n माइनस 1 तक जा सकता है मैक्स, मैंने बोला। अच्छा, अगर 0 है तो वो s है, ये है 1 है तो वो p है। तो बेसिकली अगर मैं बता दूं आपको शॉर्ट में कि l का वैल्यू क्या क्या होगा, अगर l 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। इस तरीके से आप बता सकते हो कि s ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में है, d ऑर्बिटल में है, या f ऑर्बिटल में है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहा है, राइट? तो यहां पे अगर हम देखें क्वेश्चन में सीधा सीधी क्या पूछा है, यहां पे पूछा है कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या होता है। वैसे तो आपको इतना इंफॉर्मेशन का जरूरत ही नहीं है कि स्पेसिफिकली कौन सा डी है। डी अलग अलग टाइप का हो सकता है ना, डी अलग अलग टाइप का हो सकता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो स्पेसिफिकली इसका पूछा है, बट क्या पूछा है? एजिमुथल क्वांटम नंबर पूछा है। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर पूछा है तो आपको क्या करना है? सिंपली देखना है कि भाई क्या है, डी ऑर्बिटल है। अच्छा, डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, भले वो कॉपर एटम हो, कोई भी एटम हो, किसी का भी हो, आपको अगर क्वांटम नंबर निकालना है आप इतना ही आसानी से तो निकाल सकते हो, है ना? आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इन सब के बारे में आपको डिटेल में लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहीं पे आंसर हमें मिल गया कि द आंसर इज 2। ठीक है, डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 2। ठीक है, हो गया सॉल्व ये क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हमें मिला अगला क्वेश्चन और ये गेट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, चलिए पहले तो समझते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, यहां पे कुछ कंपाउंड्स दिया है और उसका बेसिसिटी पूछा है, तो आप बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे निकालोगे? यहां पे देखिए, कभी भी आपको बेसिसिटी अगर डिटरमाइन करना हो, यहां पे आप क्या करोगे, पहले तो इन स्ट्रक्चर्स को आप बनाओगे, ठीक है? तो अगर हम नाम बताएं इन स्ट्रक्चर्स का, ये है इमिडाजोल, ठीक है, दिस इज इमिडाजोल। दूसरा वाला है टू इमिडाजोलिन, याद रखना कोई जरूरी चीज नहीं है, जस्ट मैं लिख के बता रहा हूं आपको। एंड ये वाला है पिरिडीन, पिरिडीन को जान के रखना जरूरी है ना? तो अब अगर हम बात करें, इमिडाजोल भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते हो बायोकेमिस्ट्री में, हिस्टिडीन में होता है ये। तो अब अगर हम बात करें कि इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि बेस अच्छा कौन होता है, बेस अच्छा कौन होता है। तो कोई भी अच्छा बेस जो होगा इजिली डोनेट कर पाएगा अपने लोन पेयर को, लोन पेयर को जो इजिली डोनेट कर पाए दैट इज अ गुड बेस। और मान लीजिए किसी का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई कंडीशन है जहां पे इस पॉइंट पे एक लोन पेयर है, तो क्या होगा, ये इस तरीके से ये लोन पेयर जो है ये बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर इधर जाएगा, तो इस तरीके से इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट? अगर कोई रेजोनेंस में लोन पेयर इन्वॉल्व है तो वो लोन पेयर जो है इजिली डोनेट नहीं हो पाएगा, है ना, वो इजिली डोनेट नहीं हो पाएगा। तो दिस इज हाउ इट विल नॉट बी अ गुड बेस। समझ गए आप कौन सा गुड बेस होता है, कौन सा गुड बेस नहीं होता है? तो अगर कोई लोन पेयर कोई आसानी से डोनेट नहीं कर पा रहा है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व्ड है। और अगर कोई इजीली डोनेट कर रहा है तो देन इट विल बी अ गुड बेस। यहां पे हम देखते हैं हर एक केस को। चलिए तो देखते हैं यहां पे, ऑब्वियसली एक और बात है कि अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन है ज्यादा मतलब उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ये तो सीधा एक डिफरेंशिएटर हो गया। तो यहां पे कंपटीशन से बाहर कौन हो गया, ये थर्ड वाला यानी जो पिरिडीन है वो बाहर हो जाता है, क्योंकि ये सबसे लीस्ट होना है, ये तो हमें पता चल गया है, ठीक है, इसका लीस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही नाइट्रोजन है, बाकी जगह तो दो दो है, यानी ये तो कंपटीशन से आउट हो गया, ठीक है। चलिए तो यहां पे सिर्फ एक ही नाइट्रोजन है, यानी लीस्ट जो है ये तो थर्ड वाला होगा। अब सेकंड और फर्स्ट में आपको करना है डिसाइड। तो यहां पे हमको समझना है कि कौन सा लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अगर इस वाले लोन पेयर की बात करें, यहां पे जो आपको दिख रहा है, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है? हाँ, देखिए अगर हम यहां पे देखें, ये वाला इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, यस दिस पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, इस वाले लोन पेयर की अगर हम बात करें तो ये तो ऑलरेडी बॉन्ड के ऊपर सिचुएटेड है ना। कभी भी अगर डबल बॉन्ड के ऊपर कोई लोन पेयर हो, वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो ये जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में। दूसरे में आप देखिए, दूसरे में क्या हो जाएगा, ये जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है ये बेटर रेजोनेंस शो करेगा, आया ना? यहां पे आप देखिए डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन प्रेजेंट है ना, ये है, ये है, ये है, पूरा प्रॉपर कंजुगेशन प्रेजेंट है। अगर प्रॉपर कंजुगेशन प्रेजेंट है, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस वाले में। लेकिन यहां पे क्या इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? नहीं, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे कम, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड कंजुगेशन सिर्फ इतना ही में मौजूद है ना। देखिए आप, कंजुगेशन सिर्फ यहीं तक मौजूद है, यहां पे क्या है, कंजुगेशन यहां यहां यहां, ये पूरा कंटिन्यूअसली कंजुगेशन में रहेगा, इसीलिए इस वाले में रेजोनेंस अच्छा होगा। लेकिन एक चीज आपको पता है, अगर रेजोनेंस बहुत अच्छा होगा तो वो बेस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर तो वो इन्वेस्ट कर चुका है रेजोनेंस में। लोन पेयर किसके पास रिलेटिवली ज्यादा बेटर डोनर कौन रहेगा? सेकेंड वाला स्ट्रक्चर, इसीलिए सेकेंड वाले की बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सेकेंड वन विल बी मोर बेसिक देन द फर्स्ट, एंड थर्ड तो ऑलरेडी कंपटीशन से आउट था, इसीलिए 2, 1, 3 दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहां पे करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका लीस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? देखिए, कभी भी अगर ग्राउंड स्टेट में कोई भी मेरे पास एटम है, ठीक है, उसका जो गैशियस एटम होगा, आइसोलेटेड गैशियस एटम, उसको आप कितना एनर्जी दोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा,
ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन दोगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करना है सबसे पहले किसमें, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है ना, माइनस इलेक्ट्रॉन करना है। अगर इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस वन। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये इसको क्या कहोगे आप, आयनाइजेशन एनर्जी वन। दूसरे वाले को आप क्या कहोगे, आयनाइजेशन एनर्जी टू, जो एनर्जी आप दे रहे हो बेसिकली, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है और वो कन्वर्ट हो जा रहा है एक डबल चार्ज स्पीशीज में। फिर ये हो जाएगा Al3+, दिस इज IE3। इसीलिए सब इस तरीके से आप सबके लिए करोगे। तो पूछा है कि लीस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका हम लिख लेते हैं। चलिए, तो यहां पे हमने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का और सल्फर का। देखिए यहां पे 3s2 3p1 है। अच्छा चलिए, पहला इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, ठीक है, सबके लिए अभी हम क्या लिखेंगे, IE1 के बाद इनका स्टेट क्या रहा। इधर हम मैं पूरा ये वाला पार्ट लिख नहीं रहा हूं, जस्ट मैं वैलेंस शेल का लिख रहा हूं, ठीक है। तो दिस बिकम्स 3s2 3p0, ठीक है, दिस बिकम्स 3s2 3p1, इसके बाद ये बन गया 3s2 3p2, ये बन गया 3s2 3p3। अब आपको देखना है स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट हो रहा है। अगर यहां पे मैं IE2 की बात करूं सबके लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की ही बात की गई है, ठीक है, आई टू की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। चलिए अब क्या हो रहा है, 3s2 3p0 में ये क्या हो रहा है, ये 3s2 जो है कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं यहां पे देखूं तो दिस इज योर, अगर 3s2 डिस्टर्ब होगा, मतलब मैं यहां पे अगर ड्रॉ करके आपको बताऊं कि यहां पे 3s2 है, ये एक फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा सेकंड केस में देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, 3s2 वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, समझ रहे हैं आप, इसको इस वाले को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इस वाले से तो बहुत आसानी से स्टेबल आ रहा है, यानी ये फेवरेबल है काफी, है ना, सिलिकॉन से जो आ रहा है वो काफी फेवरेबल है, और जो चीज फेवरेबल हो, आसानी से जो चीज हो जा रहा हो, वहां पे आयनेशन एनर्जी भी कम लगता है, यहां पे आयनेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक कर रहा है पहले केस में। अच्छा तीसरे केस को हम देखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, ये 3s2 3p1 कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, 3p1 कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक है, मतलब लाइक इससे कोई अलग से स्टेबिलिटी तो आ नहीं रही है, ठीक है, और इस वाले में क्या हो जाएगा, आपको पता है 3p3 अगर है तो यहां पे एक एक एक, दिस इज हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसको ये डिस्टर्ब कर दे रहा है 3p2 बना के, डिस्टर्ब हो रहा है ना हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, तो यहां पे भी डिस्टर्ब कर रहा है, यहां पे भी डिस्टर्ब कर रहा है, और यहां पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सेकंड वाला जो केस है, सिलिकॉन का जो केस है, वहां पे स्टेबिलिटी ला रहा है क्योंकि एक फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आयनेशन एनर्जी, मतलब आयनेशन एनर्जी देने के बाद, इसीलिए जो आयनेशन एनर्जी यहां पे लगेगा इट विल बी लीस्ट, क्योंकि ये कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, लेकिन इसके वजह से एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, एंड दिस इज द मोस्ट फेवरेबल, इसीलिए जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी का वैल्यू होगा वो सबसे लीस्ट किसमें होगा, इन केस ऑफ सिलिकॉन। सीधा आंसर आपके पास है, आंसर विल बी सिलिकॉन। चलिए तो इस अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पे पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आइसोमराइजेशन ऑफ वन ब्यूटीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज डैश, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है KEQ, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी फॉर्मेशन, मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, दोनों का ही गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली चैप्टर कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री ऑफकोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन को स्टडी करते हैं, रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि आपके पास है क्या वन ब्यूटीन और ट्रांस ट्यू ब्यूटीन, ट्रांस ट्यू ब्यूटीन और वन ब्यूटीन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली, ठीक है, दिस इज योर वन ब्यूटीन, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको बना लेना है, और ये हो गया आपका ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है। अच्छा इसका डेल्टा जी कितना दिया हुआ है, डेल्टा जी फॉर्मेशन दिया है यहां पे प्लस 71.39 किलो जूल पर मोल। अच्छा
यहां पे इसका क्या वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया है +63.06 किलो जूल पर मोल। अच्छा ये वाले को मैं, इसको मैं मान रहा हूं रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इस तरीके से हमने एक इक्विलिब्रियम भी बना दिया बीच में। अच्छा इसके बाद अगर हम देखें कि डेल्टा जी नॉट अगर मुझे निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालेंगे कैसे, डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रोडक्ट्स का डेल्टा जी फॉर्मेशन है ना, डेल्टा जी फॉर्मेशन को आप ऐड कर लोगे और रिएक्टेंट्स का भी ऐड कर लोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपको करना है। मैं बता दूं आपको कि सम ऑफ ऑल डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आपको ये करना है। अच्छा तो यहां पे तो सिर्फ एक ही है ना, आपको ओवरऑल बहुत सारे तो नहीं है यहां पे रिएक्टेंट्स, अगर होते तो आपको इस तरीके से ऐड करके करना पड़ता, यहां पे तो सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है। दिस इज यहां पे आपको वैल्यू कितना मिल रहा है, प्लस देखिए प्रोडक्ट आपको देखना है, प्रोडक्ट क्या है, 1-butene, तो +63.06 माइनस ये वाला 71.39 आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी -8.33 किलो जूल पर मोल, और इसको अगर आप जस्ट जूल पर मोल में कन्वर्ट कर दो तो ये बन जाता है -8330 जूल पर मोल, ठीक है। अच्छा अब टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है यहां पे 27 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है कि इसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, +273 कीजिए, दिस बिकम्स 300 केल्विन, ठीक है। आर का वैल्यू, गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। चलिए यूनिट्स मिल गए, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, रिलेशन क्या होता है डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, तो याद रखिएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln KEQ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, इनफैक्ट बायोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। चलिए तो द फॉर्मूला इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln KEQ, कुछ नहीं वैल्यू तो पुट करना है बस, ठीक है। -8330 पुट कीजिए यहां पे, इधर पुट कीजिए -8.314 300 ln KEQ, ठीक है। अच्छा माइनस यहां पे कट गया, दिस बिकम्स 8330 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रहा है 2494.2 ln KEQ। अच्छा अब क्या करोगे आप, इसको इधर लेके चले जाओ, डिवाइड कर दो, दिस बिकम्स 3.33 इज इक्वल टू ln KEQ। अब आपको KEQ अगर फाइंड करना है तो क्या करना है, E के पावर चढ़ा देना है या फिर सिंपली एंटीलॉग निकालोगे, ठीक है। तो ln KEQ को मुझे अगर सिर्फ KEQ डायरेक्टली फाइंड करना है तो मैं इसका एंटीलॉग ले लूंगा, तो E टू दी पावर कैलकुलेटर में जब आप करोगे एग्जाम में तो दिस बिकम्स E टू दी पावर 3.33, ठीक है, एंड दिस इज 28.2। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बस इस रिएक्शन को समझना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है और उसके बाद किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, दिस बिकम्स 28.2, आगे 2 marks, है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हेक्सोसेस के बारे में, देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे, हर स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं, पहली बात यहां पे ना क्वेश्चन को इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर के फॉर्म में पूछा है, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कंपाउंड दूसरे का, ठीक है, कंपाउंड ए जो है इसका अगर मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज जो आता है, ठीक है, इफ दिस इज इट्स नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, एक एक इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सुपर इंपोजिबल है, इसके ऊपर कोई भी अगर मेरे पास कंपाउंड रहे, ठीक है, जैसे काइरल कार्बन रहे जहां पे 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो इसका जो मिरर इमेज होगा नॉन सुपर इंपोजिबल होगा, और वो जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, दिस विल बी कॉल्ड दे आर एनेंशियोमर्स,
इसके अलावा कोई भी आइसोमर्स अगर हैं जिनमें मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होती वो डायस्टीरियोमर होंगे, यानी एपीमर्स, एनोमर्स, ये सारे आप डायस्टीरियोमर के कैटेगरी में रख सकते हो। सिंपल, बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं। अच्छा, ये मैं बता दिया। अब एपीमर क्या होता है? एपीमर बेसिकली ऐसा होता है, अगर आप ग्लूकोज को बना लें, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, जस्ट मोमेंट, CH2OH, ठीक है, यहां पे HOH, यहां पे OH, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, देन इट इज HOH, ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पे मैं बात करूं किसी भी स्ट्रक्चर का, तो यहां पे थर्ड पोजीशन पे ऐसा गड़बड़ है। अगर मैं गैलेक्टोज को बनाऊं, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये है आपके सामने गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका गैलेक्टोज हो गया, ये आपका ग्लूकोज हो गया। अच्छा, यहां पे अगर हम रिलेशन निकाले, देखिए ये जो है थर्ड पोजीशन पे तो इनका सेम है, लेकिन अगर यहां पे मैं बोलूं, यहां पे डिफरेंस आ जाता है, फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है डिफरेंस। एंड अगर फोर्थ पोजीशन पे एक किसी भी कार्बन पे डिफरेंस आ जाए, काइल कार्बन पे अगर डिफरेंस आ जाए, दिस इज नोन एज एपिमेरिक रिलेशनशिप। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एपिमर्स। तो बेसिकली यहां पे अगर मैं पोजीशन की बात करूं, कौन से पोजीशन पे एपिमर्स है ये, तो यहां पे ये फोर्थ पोजीशन पे एपिमर है, देयरफॉर दे आर C4 एपिमर्स। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? C4 एपिमर्स है। स्टेटमेंट भी अपने आप गलत हो गया, है ना, क्योंकि गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज इज अ C4 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज। अब ये भी गलत हो गया, क्योंकि ग्लूकोज का C2 एपिमर होता है मैनोज, और यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, दोनों स्टेटमेंट गलत। अच्छा, क्या डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज डायस्टीरियोमर है? कभी नहीं, क्योंकि डी और एल तो मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है ना। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या है? दे विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एंड देयरफॉर दे आर इनेंशियोमर्स। कभी भी डी एल आ जाए, मतलब आप समझ जाइए इनेंशियोमर्स की बात हो रही है, डायस्टीरियोमर्स तो वो हो ही नहीं सकते। ये भी गलत, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हमें आंसर मिल गया, और हमें पता भी है कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज जो है दे आर C4 एपिमर्स। और मैंने क्या बोला था? अगर वो एपिमर्स हैं, अगर वो इनेंशियोमर्स नहीं है लेकिन फिर भी आइसोमर्स हैं, तो दे आर व्हाट? दे आर डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो इसीलिए एपिमर्स भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं। फाइन, तो ऑप्शन डी जो है यहां पे करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई होप आपको मजा आया होगा इस सेशन में, काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, कॉन्सेप्ट वगैरह आप सीखे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में, ठीक है। यहां पे भी कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।